के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, आप पूरा देश घूमकर हरियाणा में आ चुके हैं, देश में क्या माहौल लगा? चार चरण की वोटिंग हो चुकी है और हरियाणा में क्या माहौल लगा? देखिए, मैं कर्नाटक और हरियाणा का आपको कह सकता हूं, बदलाव की बयार जारी है। मोदी जी का गुस्सा, अमित शाह जी की छटपटाहट और जिस प्रकार की घबराहट जेपी नड्डा जी के चेहरे पर है, वो ये दर्शाता है कि बहुत जल्द एक बड़ा बदलाव आएगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी का अहंकारी शासन बह जाएगा। हरियाणा की बात करें सर, हरियाणा में क्या माहौल लग रहा है? बीजेपी दावा कर रही है कि दोबारा 10 की 10 सीट तकड़े हो जी। देखिए, उनके जो दावे हैं वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने साबित होने वाले हैं। कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व कब से हरियाणा में चुनाव प्रचार में आएगा, किस तरीके के? बहुत जल्द उनके प्रोग्राम बन जाएंगे और हम बना रहे हैं और वो बहुत जल्द आएंगे। सोनिया जी तो नहीं आ पाएंगी, पर राहुल जी, प्रियंका जी दोनों आएंगे, खड़गे साहब भी आएंगे। सिरसा लोकसभा सीट पर क्या माहौल लग रहा है? आपका पुराना हल्का नरवाना में आप आ रखे हैं, क्या? मेरी बजाय सारे साथी भगवान हैं, आप इनसे पूछिए और ये आपको बताएंगे कि असलियत ये है कि जमीन बिल्कुल बदल गई है और भाजपा के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। एक आखिरी सवाल, आपकी पूरी स्पीच सुनिए, आपने पूरा फोकस किसानों पर, युवाओं पर कर रखा था, रोजगार पर फोकस था, किसानों पर? क्योंकि लोग जवाब ही बेरोजगारी पर, महंगाई पर और जिस प्रकार से आर्थिक असमानता है, लोग उस पर जवाब मांगते हैं। मोदी जी हिंदू मुसलमान, पंडित नेहरू को गाली देना, राहुल गांधी जी को गाली देना, उनका ये फोकस है। कौन कितने बच्चे पैदा करेगा, कौन किसकी भैंस ले जाएगा चुरा के, कौन मंगलसूत्र चुरा कर ले जाएगा, ये देश के प्रधानमंत्री का एजेंडा है। पर लोगों का एजेंडा किसानी है, बेरोजगारी है, गरीब की झोपड़ी में जो टिमटिमाता हुआ दिया है वो है, तो ये लोगों के मुद्दे हैं। बिल्कुल, सुरजेवाला साहब कह रहे हैं कि जो कांग्रेस का अच्छा माहौल हरियाणा में बना हुआ है। कैमरामैन जस्सी के साथ अनिल मोर, खबरें तक नरवाना।